उसने अपने शिष्यों को उन्होंने समझाया है कि तुम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कोई वस्तु आपके अंदर तो है, आपके पास ही रखी है, लेकिन आप भूल जाते। 100 का नोट है आपकी जेब में रखा हुआ, मगर कभी कभी आप भूल करके कहते हैं अरे रह गया, बड़े परेशान होते हैं, वहां हमें खर्च पड़ेगा तो कहां से आवे। तो किसी वस्तु को सामने होते हुए भूल जाते, कोई वस्तु हमसे छूट जाती है तब हम दुखी होते हैं। उसी तरह से परमात्मा जो है वो होता हुआ भी और हम भूल से गए, उस पर हमारा ख्याल। जब किसी चीज का ख्याल हट जाता है अपने अंदर से तो वो चीज ही नहीं रहती, ऐसा हो जाता। चाहे चीज वही हो लेकिन जब हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है तो चीज वहां नहीं, ऐसा। तो जब उन्होंने शिष्यों ने पूछा कि महाराज उस परमात्मा को प्राप्त करने का क्या तरीका है, तो उन्होंने एक सूत्र कहा, ये कहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोध। उससे योग करने का एक ही तरीका है कि अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत कर दो। वृत्ति कहते हैं विचार जिससे पैदा होता है, ये कंपन होता है चित्त में पहले, विचार से पहले तब विचार बनता है, ये कंपन को ही वृत्ति कहते हैं। तो अगर तुम्हारे चित्त में वो कंपन न हो, वो विचार पैदा न हो, तो तुम ईश्वर में ही मिले हुए हो। क्योंकि जब सृष्टि हुई थी, जीव अलग हुआ था, तो एक विचार उसके बीच में आ गया। उसको अहंकार कहिए कुछ कहिए, वो बीच में चीज आ गई थी, हम उससे अलग हो गए। इसलिए फिर वो चीज हमारे बीच में से निकल जाएगी, तुम फिर उसमें प्राप्त कर जाओ। उसके लिए तुमको यही करना है, चित्त की वृत्ति को शांत कर देना, बस इतना। तब मैंने पूछा महाराज ये कैसे होगी, तो उन्होंने उस योग शास्त्र के चार भाग किए। पहला लिखा है समाधि पाक, अर्थात तुमको वो चीज जो होगी उस अवस्था में आओगे तब प्राप्त होगी। समाधि यानी तुम बुद्धि तुम्हारी स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, कोई तुम्हारे अंदर चित्त में वृत्तियां पैदा न हो, तब तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। ये समाधि की अवस्था है। इस अवस्था में कोई मनुष्य आ जाएगा, जब उसकी वृत्ति शांत होगी, चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होगा, बैठा हुआ होगा, उस वक्त वो अपने सामने उस आत्मा को जानेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे अनेक विचार हमें चल रहे हैं, कैसे उन विचारों को शांत करके चित्त की वृत्ति कैसे शांत हो सकती है। तो दूसरा पाठ उन्होंने लिखा है वो साधन पाठ, तो उसके साथ उदाहरण क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखो एकदम तुम ये चाहो कि जैसे सो जाए, हम नहीं सो सकते। अभी हम आपसे कहेंगे सो जाइए, गहरी निद्रा में आप नहीं सो सकते, आपको सोने में तो समय जरूर लगेगा। आप इन विचारों से हटेंगे, जरा यहाँ शांति होगी, फिर लेटेंगे, ये ख्याल करेंगे कि मुझे निद्रा आ रही है, तो बड़ी देर में ख्याल करते करते निद्रा आपको आवेगी। अगर आपने भी जरा सा ये ख्याल कर लिया कि निद्रा क्यों नहीं आ रही, तो समझिए वो भी गिर जाने वाली। और अगर कहीं आपने निद्रा के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया, क्यों नहीं आवे जी, आज हम खाना ही नहीं खाएंगे, देखे निद्रा कैसे नहीं आवे, आज हम एक पैर से खड़े रहेंगे, निद्रा कैसे नहीं आवे, तो समझो तो शायद 10-15 दिन को चलिए। जीवन का यही था, हमें वो चीज शांति से लेनी चाहिए थी, ठीक तरीके से उसके लिए जैसे गीता ने लिखा है समत्व भाव में आ जाना चाहिए था, तो शायद वो जल्दी प्राप्त। हमने उसके लिए तरीके ही दूसरे कर दिए, जैसे निद्रा के लिए हमने गाड़ी खड़ी कर दी, इसी तरह से इस आत्मज्ञान में जाने के लिए मनुष्य ने ये बजंदर खड़ा कर लिया है। वास्तव में बात तो बहुत ही छोटी और सीधी सरल, मगर मैं इतना इसमें ऐसा कर दिया है कि आदमी उसको भूल गया है कि ये चीज प्राप्त होने वाली है नहीं, इतना कठिन कर दिया। लेकिन शास्त्र लिखता है कि ये योग इतना सरल है तो मनुष्य जैसे निद्रा में चला जा सकता है, इसी तरह से ईश्वर में भी जा सकता है। तब उन्होंने उसके सूत्र लिए, उन्होंने कहा महाराज फिर कैसे होना चाहिए। उनका देखो मन की अवस्था 5 लाख, क्षिप्त विक्षिप्त और मूल, ये तो होती है हर एक। लेकिन जो परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं वो एकाग्रता से शुरू करते हैं,
तुम एक विचार में आओ, फिर धीरे धीरे एक विचार में रहते रहते अगर तुम उसी में लगे रहे तो निश्चय जानिए कि दो विचार की शांत होने लगेगा। जैसे घंटे में हमने एक नौकरी मार दी तो घंटा में आवाज बनेगी, खूब होगी, जोर की आवाज आ गई। और अगर हमने कुछ देर उसमें आवाज नहीं, घंटे में नौकरी नहीं मारी तो वही आवाज उसी में गायब हो जाएगी। इसी तरह से तुम उसे अपने मन में दूसरी ठोकर मत मारो, एक तो लग गई लेकिन अब दूसरी ठोकर उसमें नहीं मारो तो चित्त शांत। लेकिन ये मुश्किल है कि हम उसमें ठोकर न लगा, कुछ उसको सोचें, सोचने ही उसमें एक टक्कर मार देना। तो वो शांति के लिए हमने उन्होंने बताया कि एक काम करो तुम, इसके लिए एकाग्रता में आओ पहली बार। दूसरी एकाग्रता में आते आते तुम दूसरी अवस्था, जब निरोध की अवस्था पहुंचोगे तब तुम इसमें पूर्णतः उसमें सफल हो जाओगे और चीज प्राप्त। निरोध उस अवस्था को कहते हैं जहां कोई विचार नहीं, एकाग्रता उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक विचार। तब उन्होंने बताया कि एक विचार लो, तुम ईश्वर की तरफ जाना चाहते हो ईश्वर का विचार लो, दुनिया की तरफ जाना चाहते हो दुनिया का विचार लो। आपने देखा है कि जो लड़के रिसर्च करते हैं वो उसी दिशा को उसमें धस जाते हैं। मन जो है वो क्या है, मन एक सूक्ष्म परमाणुओं का एक गुच्छ है, जिस तरफ इसको लगाओगे वो परमाणु उसमें धस जाते हैं और लौट करके जब आते हैं तो उसका ज्ञान लेकर क्या जाते। आप भी जब अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे उस मन को जहां भी आप भेजेंगे वहां से वो आपकी खबर लेकर क्या जाए। साधारण तो नहीं चिंता की आपके अंतर में जाकर के आपके सारे भेदों को लाकर बता देगा कि ये कहा ये साधारण सी बात तो हुआ करती। वही मन अगर शांत हो जाए और परमात्मा की तरफ लगा दिया जाए किस तरफ की वो चीज लगना शुरू हो जाए तो तुम एक काम करो, पहले किसी गीत राग पुरुष के पास मिलना शुरू करो। गीत राग विषय चित्तम ऐसा एक उन्होंने सूत्र वो साधन पाठ में आया कि साधना ये करो तुम कि रोजाना बैठो परमात्मा का ध्यान करो या किसी सत्पुरुष का उसका चिंतन करो अथवा जो वस्तु तुम्हें अत्यंत ईश्वर का स्वरूप है उसका ध्यान करो या प्रकाश ईश्वर का प्रकाश है उसका ध्यान। ऐसा उन्होंने तीन चार सूत्र साधना में लिखे हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारा चित्त जो है धीरे धीरे परमात्मा की तरफ लगता जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि तुम उन परमाणुओं में अपने को व्यक्त करके ऐसे हो जाओगे जहाँ आगे चल करके तुम्हें ये भी खत्म हो जाएंगे और तुम अपनी ऐसी अवस्था में आ जाओगे जहाँ कोई विचार नहीं शांत वो तुम्हारी बहुत ऊंची अवस्था होगी उसके लिए तुम प्रेरित। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज, इसलिए साधना में ध्यान करना सबसे पहली चीज उन्होंने बताया कि तुम उस परमात्मा का ध्यान करो और क्या ध्यान करो कि वो महान तेजस्वी ईश्वर उसका प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है और मैं भी प्रकाशवान हो रहा हूं। ऐसा करने से धीरे 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 आप में भी वही चीज आना शुरू होगी और क्या होगा कि परमाणु जो आवाज के थे वो बैठते हुए चले जाएंगे और आप निर्विचार अवस्था में बैठे उस वक्त आपका हृदय पवित्र। किसी प्रकार का जब मनुष्य के अंदर विचार नहीं रहता तब समझे वो मनुष्य पवित्र हो, क्योंकि तीन विचार सृष्टि के हैं, तीन गुण के, ये तीनों सब में प्रवेश किए हुए हैं, उनको कहते हैं सत रज तम, या वो ही उसका दूसरा रूप धारण करके आते हैं, एक आवरण एक छत्र एक वृक्ष। पहला आवरण होता है जो हल्का सा मनुष्य को अपना अहंकार का होता है, दूसरा एक विक्षिप्त अवस्था होती है जिसमें अच्छे और बुरे विचार रहते हैं, एक शुद्ध अर्थात मूल अवस्था होती है जिसमें गंदे विचार रहते हैं, तमोगुणी अवस्था रहती है। इस तरह से ये तीनों तरह के उसमें विचार में आदमी घूमता रहता है, जब इनसे उठ जाता है एकाग्रता समाप्त हो जाती है उस समय वो त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाता है। तीनों अवस्था तीनों गुण उसके शांत और बैठक उसके ऊपर की अवस्था को कभी जीवन में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब आप किसी विचार में नहीं होंगे तो आप क्या किस अवस्था में होंगे, क्या आप उसका कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि जिस मुद्रा की कल्पना हम नहीं कर सकते मुद्रा क्या है कैसी है, इस तरह से उस समय वो अवस्था बहुत ही ऊंची है जितना आप निर्विचार अवस्था में बैठे हो और बिल्कुल होश में पूर्ण तरह से उस समय समझो कि आपका अपने ऊपर पूर्ण अधिकार वो अवस्था मनुष्य के अंदर आनी।
जब ये होता है तब उसका अंतकरण पवित्र होता है और परमात्मा का इसको साक्षात्कार दर्शन। इसलिए चार अवस्थाएं लिखी है, उन्होंने लिखी है कर्म, उपासना, ध्यान और साक्षात्कार। अच्छे कर्म करो, फिर प्रभु की उपासना करो, जो उपासना का ये साधना उपासना की, कर्म की तो आप जो भी कर रहे होंगे वो करते ही होंगे, आप कहीं मंदिरों में जाते होंगे, पाठ करते होंगे, पूजा करते होंगे, भगवान के दर्शन करते होंगे, या जो भी आप कर रहे होंगे वो कर्म कहलाता है। ये क्रिया जो है उससे ऊपर की है, इसको कहते हैं उपासना। अब तुम थोड़ी देर उपासना में करते हो, उपासना कहते हैं पास बैठो परमेश्वर, चार भटके चारों तरफ गए, कहीं कितने हजारों मील की यात्रा की, आज तू जरा सा परमात्मा के निकट बैठ, ऐसा ख्याल करके बैठ जाओ तो मैं ईश्वर आपके सामने बैठ, बस तो फिर उसका रूप बदलने लगे। ये उपासना जो होती है तीन स्थानों पर जाया करती है, पहले उपासक उपास और उसके बाद उपास के रूप में बदल जाए, ध्याता ध्यान और ध्येय, ये तीनों जब एक हो जाते हैं उस वक्त मनुष्य उनसे ऊपर उठ जाता है, वही समाधि की अवस्था आ जाती है। तो जब आप इस अवस्था में आवेंगे और शांति में आवेंगे तब उसका कुछ लक्ष्य आपके सामने आ रहे, उसको ज्ञान प्राप्त हो। तीसरी अवस्था ज्ञान की कहलाती है, पहली कर्म, दूसरी उपासना, तीसरा ज्ञान। उपासना से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, जब तक हम किसी के पास नहीं बैठेंगे ज्ञान नहीं हो सकता। हमेशा निश्चय जानिए कि जिस किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसने अच्छे अच्छा बना है, किसी को देख करके बना है, सुन करके आज तक कोई नहीं बना। आपने वो भीलों की कथा पढ़ी होगी रामायण में, कितनी सुंदर है। भगवान जब गए थे वन में तो चित्रकूट पर ठहरे थे, तो समय भरत मिलने के लिए उनसे पहुंचे, तो जब वो वहां के कोल और भीलों ने सुना कि भगवान के भाई आए हैं, भरत आए मिलने के लिए, और उनके साथ माताएं और सारा परिवार और शहर के लोग और गुरु आए हैं, हमको भी चलना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए। तो ये बहुत से फल फूल मूल कंद मूल वगैरह जो खाने की सामग्रियां थी भर भर के कुछ अपना सब लेकर चले, तो यहां पर ये लोग पहुंचे, तो वो कहते हैं कि आप ये हम जो लाए हैं इसे स्वीकार, पहले कहते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब कुछ लाए हैं, खाने तुम्हारे पास है, हमें कुछ नहीं। उन भीलों ने कुछ कहा था, वो कितना अच्छा कहा था, उन्होंने कहा देव का हम तुम्हें दुश्मन, ईंधन पात किरात बिताई, हे प्रभु उसे भाइयों हम आपको क्या दे सकते हैं, हम भील हैं, हमारे पास क्या है, ईंधन पात किरात की मित्रता, ये यदि वो ईंधन दे दे पत्ते दे दे और तो उसके पास कुछ है, ये हमारा अति बड़ सेवकाई, लेन वासन बसन चुराई, हमारी तो यही बड़ी सेवा, आप समझ लीजिए कि हम आपके वसन वस्त्र ये नहीं छुड़ाते हैं, ये हमारी बड़ी सेवा। हम जड़ जीव जीव कुल घाती, कुटिल कुजाति कुमत कुजाति, पाप करत निस्वासर जाही, नहीं कट पट नहीं पेट अधान, पाप करते हुए हमारी जिंदगी खत्म हो गई, कमर पे हमारे पर कपड़ा नहीं है, पेट भरता नहीं, कट पट नहीं पेट अधान, सतमेव धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दर्श करो, हमें सपने में भी अच्छा बुद्धि नहीं थी, लेकिन आज जो आपके सामने हम सेवा कर रहे हैं, ये रघुनंदन दर्श करो, जब से प्रभु पद कमल निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, ये भगवान के दर्शन का फल है कि हमारे दोष मिट गए। तो उस परमात्मा का या सदगुरु का दर्शन करने से मनुष्य का कल्याण होता है, तब उसके व्यवहार, उसकी कुशलता, उसके जीवन में ज्ञान अपने आप ग्रह करके, वो उस दर्शन का फल। तो ये ज्ञान जब मनुष्य को आता है, हमेशा आपने पढ़ा होगा कि निवृत्ति की मुक्ति नहीं होती, निवृत्ति हो जानी, क्योंकि उसके सामने कोई आया ही नहीं, उसने किताबें पढ़ी सब कुछ किया, लेकिन कहां उस आवाज में जो चीज आती है वो कहां से मिलेगी किताब में, जो वाणी द्वारा चीज आ रही है और आपके कानों में होकर कोई भीतर उतर रही है, वो किताबों से कैसे आप प्राप्त कर सकते। एक लड़का सवेरे उससे शाम तक किसी नक्शे को पढ़ता रहे, उस पर देखता रहे ये गंगा हिमालय से निकली है और ये यहाँ हरिद्वार में आई, अब ये प्रयाग में आई और अभी ये जा रही है, क्या सा है तो कहीं दूसरी जगह पानी भले पिया गया है, नक्शे में से बूंद पानी से नहीं। ये जीवन पुस्तकें मनुष्य को कैसे शांति दे सकती, जब एक भरी गंगा मनुष्य पानी नहीं पिला सकती,
तो ये पुस्तक मनुष्य को कहां से ज्ञान देते, उनके ज्ञान के लिए पहले तुम किसी ज्ञान से, किसी ज्ञानवान से उस ज्ञान को लो, तब वो ज्ञान तुम्हारा पूर्ण करेंगे। वो पुस्तकें बतलाती हैं कि ये चीज वो प्रमाण है, ज्ञान नहीं, जो तुम्हें ज्ञान होता है उस ज्ञान के वो प्रमाण, इसलिए उनको प्रमाण देने पड़ते हैं जैसा शास्त्र में लिखा। तुम पहले अपने अंदर उतारो प्रमाण शास्त्र, प्रमाण अनुमान प्रत्यक्ष, तीन तरह का ज्ञान होता है। प्रमाण उसको कहते हैं जब हम किसी बात को कह देते हैं ऐसा शास्त्र में लिखा, अनुमान उसको कहते हैं कि ये पहाड़ के बड़े बड़े टीले जो है इनसे लाखों बने उनके होते हैं, वो पहाड़ होते हैं, अनुमान है। परमात्मा ऐसा होता है, बड़ा शांत स्वरूप है, बड़ा अच्छा है, वो ऐसा है, लाभ नहीं होगा। तीसरी चीज है प्रत्यक्ष, जीवन में तुम उसको प्रत्यक्ष करो। तो ये चीज जो है ध्यान, ये आपको अगर ठीक हो जाए तो उसी दिन आपको एक स्थान पर पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने ये बतलाया था, शास्त्र बतलाता है कि तुम इस तरह से बैठोगे, फिर एक वृत्ति में आओ। अब आप यहां यही तो किया था, एक जगह अलग अलग से आप आए थे, कितनी दूर दूर से आए, अनेक विचार लेकर के भी आए, कोई कैसा आया है, कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई महात्मा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई साधु संन्यासी होगा, इस तरह से जाने क्या क्या विचार लेकर के आए। यहां आप आए तो सबको एक से देखा था, सबने एक से देखा, कोई खास बात नहीं ऐसा, इसलिए हमारी जितने विचार थे वो सब एक हो गए, ना और कुछ नहीं। फिर तीसरी बात यहां ये हुई थी कि सब हम बैठ गए थे तो कुछ सुंदर उपदेश आपने सुनाए, तुम्हारी वृत्तियां संसार से हट करके ईश्वर की तरफ लगी, यही तो किया जाता है। निद्रा लाने के लिए माँ क्या करती है, जो लड़का खेल जो इधर उधर रोता है करता है तो माँ उसे एक कहानी सुनाती है, उसको निद्रा की तरफ लाना चाहती है। इसी तरह से आपको भी अच्छी अच्छी भगवान की सुंदर कथाएं सुनाकर आपके चित्त को भगवान की तरफ लगाने की कोशिश की जाती, जब आपका चित्त उस तरफ लगा आप एकाग्रता में आए, फिर एक प्रार्थना आपने कही थी, गुरु कितनी सुंदर नीतियां हैं, जरा नीचे से चलते जाए आप इसको प्राप्त करने का एक ही जरिया उन्होंने लिखा, और अगर पूर्णता से किसी दिन मनुष्य इसमें आ जाए एक दिन में प्राप्त कर सकते। फिर आपने गुरु वंदना की, उसमें सबने मिलकर के एक ईश्वर में ईश्वर को याद किया, इसकी प्रणाली को देखिए आप कितनी सुंदर, सबने मिलकर के वही एक ईश्वर की वंदना, गुरु की वंदना सबने, और फिर वंदना करके शांत, वो शांति धीरे धीरे। अब क्या होता है, ये द्वैता द्वैत अवस्था होती है, जब वो उस विचार को हमने लिया था, कभी वो विचार, कभी और विचार, कभी इधर कभी उधर, ऐसे होते होते जैसे गंगा और एक नाला मिलता है तो कुछ थोड़े से मिलाने में देर होती है, आज चल करके वो एक अवस्था है गंगा बन जाए। ऐसे आप भी अगर इसे ठीक ठीक तरीके से करते हुए चले जाएंगे एक दिन ईश्वर में मिलने का समय आएगा, ये वो हो गया। तो अगर इसको ठीक तरीके से समझदारी से, ये काम ऊंच पटांग नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होती है, इन इंद्रियों के द्वारा झगड़े से नहीं, ज्ञान से शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान जाओ शांति तुम्हें शांति, तब तुम इस तरह से करते हुए चले जाओगे तो फिर तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा, और एक दिन जब पूर्ण शांति होगी उधर को भूल जाओगे उधर पहुंच जाओगे। ये जितना काम है आपको इस दुनिया को भुलाने के लिए है, ये दुनिया आपको इतनी बैठ गई है कि छूट ही नहीं सकती, देखिए सुनिए गुनी मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, एक चौपाई कितनी सुंदर लिखी है, देखिए जब तक आप देखते हैं कि ये भगवान है समझे तब नहीं, सुनिए तभी अभी वो चीज नहीं है, गुनी मन माही अपने मन में विचार भी करते रहो तभी अभी ईश्वर से दूर, मोह मूल परमार्थ, परमार्थ कब है जब सब विचार हट करके आप शांति उस अवस्था पर पहुंचेगा। तो जो समझदार व्यक्ति हैं जिन्होंने ये समझा है कि वास्तव में हाँ उस अवस्था में हम जाएंगे तो क्या हालत होगी, जब हम विचारों में इतने कभी कभी सुंदर विचारों में आनंद ले लेते हैं, वो उस अवस्था में जाने पर सिवाय आनंद के सिवाय ज्ञान के मनुष्य के सामने कुछ रहेगा ये ईश्वर रहता है, वो अवस्था लाने के लिए सब प्रयत्न करते रहे, ईश्वर आपको सफल करता है।